अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो है शिफ्टिंग व्लॉग। ये अपार्टमेंट जो है जिसमें से आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अब मैं इस अपार्टमेंट को हम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं और एक नए अपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो जो भी शिफ्टिंग का थोड़ा बहुत तैयारी थी, जो भी प्रोसीजर था पूरा, उसकी एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है। और शिफ्टिंग की तो जो मूवर्स होते हैं, जो शिफ्टिंग कंपनी होती है, सारा काम वही करते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे सारा सामान जो है वो पैक करना है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किचन को जो है वो किया था, ये कि जो ऊपर काउंटर्स पे चीज़ें पड़ी थी मैंने उनको जो है वो कैबिनेट्स में रख दिया था या दराज में रख दिया था। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ जब पड़ी होती हैं तो वो एक साथ ही जो है ना वो बॉक्स में आ जाती हैं। और कुछ चीज़ें थी उनको मैंने जो है वो शॉपर्स में डाला था ताकि मुझे पता हो, और जब हम नेक्स्ट अपार्टमेंट में जाएंगे तो सारी चीज़ें जो है वो मैं शॉपर्स में खोल के और फिर एक जगह पे जो है वो रखूँगी। अदरवाइज़ जो कंपनी के लोग होते हैं उनको तो ये चीज़ नहीं पता होती, तो वो सारा सामान फिर एक ही बॉक्स में जो है वो रखते हैं। तो ये शिफ्टिंग से जो है वो दो दिन पहले का जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने की थी जो मुझे लगा कि ज़रूरत है, जो इधर उधर ना हो जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। तो उनको बस मैंने जो है वो थोड़ा सा बैग्स में डाल दिया था या पैकेट्स में डाल दिया था। बाकी सारा काम जो है वो कंपनी के जो हैं लोग ही वही करते हैं, क्योंकि उनका पूरा पैकेज होता है कि पूरा जो सामान है उसको उन्होंने जो है वो बड़ी एहतियात से रैप करके यहाँ से जो है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट में लेके जाना होता है। और यहाँ पे ये दराज है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मैं कर रही हूँ, इनको मैंने जो है वो, मेरे पास बहुत सारे जो है वो बॉक्सेस खाली पड़े हुए थे, तो फिर मैंने इन बॉक्सेस में जो है वो इन चीज़ों को डाल दिया था अपनी तरफ से। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कपड़े मैंने किए थे, जो कपड़े पहनने वाले थे उनको मैंने बैग्स में किया था, और जो दूसरी बेडशीट्स और ये चीज़ें थी, ब्लैंकेट्स वगैरह, इनको मैंने शॉपर में डाल दिया था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर डायरेक्ट जो है वो किसी डब्बे में बॉक्स में जाएंगी तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो धोनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने जो कपड़े थे उनको बैग्स में डाल दिया था। और फिर ये होगा कि जो कंपनी के लोग हैं वो डायरेक्ट इन बैग्स को जो है ना वो बॉक्सेस में रख देते हैं, तो इससे जो सामान होता है वो गंदा नहीं होता। अदरवाइज़ शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो गंद होता है, डस्ट, मिट्टी, सारा कुछ। तो इसीलिए मुझे वो कपड़े जो है वो धोने नहीं पड़ेंगे अब। और ये मैंने ओज का जो कॉट है, इसकी जो वॉल्स थी वो सारी खाली की हैं। उसके बाद जो कुछ और चीज़ें थी, कुछ सामान था वो मैंने रखा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब होने का जो है ना ख़तरा होता है या टूट भी सकती हैं, तो इनको मैंने जो है वो अलग बैग्स पर डाल दिया था। और इससे ये होता है कि अंदाज़ा रहता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो ख़राब होने वाली है, तो उसे जो है वो हम फिर अपनी गाड़ी में रख लें या उनको बता देते हैं, तो वो उस लिहाज से जो है वो उसको पैक करते हैं। और यहाँ पे इन जो ये जो बैग्स हैं इनमें हमारे कपड़े थे। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे शिफ्टिंग कंपनी के जो लोग थे वो आ गए थे, और ये देखिए सारा ये खुद ही पैक करेंगे और बहुत एहतियात से ये पैक करते हैं हर चीज़। ये जो सिंगल पीसीज हैं सोफ़ा के, इस पे कपड़ा लगा के और पूरा इसको जो है वो पैक करते हैं ताकि कुछ भी जो है वो ख़राब ना हो, एक भी चीज़। तो यहाँ पे ये सारा हॉल में हो गया, और यहाँ पे ये डाइनिंग जो है इसको ये रैप पूरा कर रहे हैं, और अभी रूम का जो काम है वो स्टार्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद ये सारे बैग्स हैं, ये सब बाहर जो लॉबी है उसमें ये पड़े हुए हैं सारे। और उसके बाद फिर इसको जो है ना वो नीचे जो ट्रक होता है उसमें ये शिफ्ट करेंगे। और जो मैं और ओज हैं वो नीचे आ गए थे, नीचे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा सिटिंग एरिया है हमारी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे हमने वेट किया था। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगे थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो सारा काम भी कर लिया था। और जब शिफ्टिंग के लिए कंपनी के लोग आते हैं तो वो सारा काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, कोई किचन में चला गया था, कोई हॉल में, कोई रूम में, तो उसके बीच में मेरा या ओज का बैठना या खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं इसको लेके नीचे आ गई थी, और यहाँ पे अच्छा आराम से हमने बैठ के टाइम गुजार लिया था। और ये अपना जो है वो खेल में लगी हुई है, जो भी चीज़ें छेड़नी होती हैं इसने वो कर रही है। और जल्दी हमने बुला लिया था, कंपनी के लोग जो थे वो 8 बजे तक आ गए थे, और उससे ये होता है कि जल्दी जल्दी काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, और शाम तक हमारी पूरी जो है ना वो शिफ्टिंग भी हो गई थी। तो ये हमारी जो बिल्डिंग थी जहाँ से अभी हम शिफ्ट हो गए हैं, ये उसका नीचे ग्राउंड फ्लोर में पूरा सिटिंग एरिया है। और उसके बाद ये हमारा जो है न्यू अपार्टमेंट जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान है, सब खुला पड़ा है। और इन्होंने जो है वो अभी ये चीज़ें मैंने निकाली हैं किचन की, इनको हमने मना कर दिया था,
कि किचन की ये चीज़ें ना निकालें, वो मैं खुद निकालूंगी। और बाकी ये सारे बॉक्सेस अभी खुलने हैं। नेक्स्ट जो है ना, हॉल पे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे तो वो फिर हमने सारे खुद खोले थे। और ये है नेक्स्ट डे शिफ्टिंग का। ऑलमोस्ट 2 दिन हमें लगे थे पूरे घर को जो है ना वो सारे बॉक्सेस खोलने में और सारी चीज़ों को जो है ना वो सेट करने में। तो हो सकता है कि अभी हम थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करें, क्योंकि ये फर्स्ट डे की है। जो भी समझ आ रही थी हमने उस तरह से सेटिंग कर दी थी। और अभी शाम को मैंने चाय बनाई है और यहाँ पे ओज के लिए हमने वाइट बोर्ड लगवाया है। इसमें जो है वो मैग्नेट से ये ABC सारी और 1, 2, 3 क्योंकि इसको आती है, तो अब ये जो है ना वो थोड़ा सा इसका टाइम पास होगा, खेलेगी। और यहाँ पे ये इसको इतना अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि सामान वही है, चीज़ें वही हैं। शिफ्टिंग करने के बाद जो हमने सेटिंग है वो चेंज नहीं की, सेम वही सेटिंग है जैसे पिछली अपार्टमेंट में थी। अगर आप देखेंगे तो शायद आपको डिफरेंस भी इतना पता ना चल रहा हो, तो इसीलिए इसको भी इतना फ़र्क नहीं पता चला, इसको भी सेम ही लग रहा था। और ये इस अपार्टमेंट में फर्स्ट नाश्ता मैं बना रही हूँ। अभी भी समझ नहीं आ रही चीज़ों की, क्योंकि चीज़ों की जो तरतीब है, सीक्वेंस है, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। थोड़ा टाइम इसको लगेगा और उसके बाद फिर थोड़ी सी आदत हो जाएगी। और ये किचन भी बहुत बड़ा है हमारे पिछले किचन से, वो भी बहुत बड़ा था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो जब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये बाहर का हमारा व्यू है। और ये है 16th फ्लोर, बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो ये हम 16th फ्लोर पे हैं। और यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। ये हम मेन सिटी में हैं। पिछला जो अपार्टमेंट था वो एक सोसाइटी थी उसमें था, और वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, इतनी ट्रैफिक नहीं थी, पूरी खामोशी थी। लेकिन यहाँ पे सही रश है, आवाज़ें हैं, ट्रैफिक है, क्योंकि ये तो मेन सिटी है और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा यहाँ पे सारा। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग था पिछले अपार्टमेंट में। अब मेरे जितने भी नेक्स्ट ब्लॉग्स होंगे आप इस अपार्टमेंट में देखेंगे। और लास्ट ये ब्लॉग है उस अपार्टमेंट के लिहाज से, चैनल पे लास्ट ब्लॉग नहीं है। मैं और अपलोड करूँगी ब्लॉग्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।